नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आजकल बहुत गर्मी है तो वीडियोस कुछ कम आ रही हैं, मगर आज फिर से शाम का टाइम है तो मौसम अच्छा था। तो आज एक प्लांट जो मेरा करीब करीब जिसकी कॉस्टिंग 1.5 लाख के करीब थी, वो प्लांट थोड़ा रॉट हो गया था। तो उस प्लांट को अभी हमने रॉटिंग पार्ट कट करके वो फेंक दिया है। अभी जो पार्ट बच गया है उसको कैसे सर्वाइव करना, आज वही लगाएंगे, पैचीपोडियम रोजुलेटम। देखिए हमारा प्लांट ये है, बड़ी बुरी तरह ये ख़राब हो गया था क्योंकि पीछे बहुत बारिश हुई है। सबसे पहले तो इसके हम पत्ते सारे उतार देंगे ताकि इसको बढ़ने में मुश्किल ना आए। हमने जो मिक्सचर बनाया है, इस बार हमने एंटी फंगल भी डाल दिया है, और एंटी फंगल के साथ हमने इसमें जो रूटिंग हार्मोन है वो भी डाल दिया है। मैं कभी कम यूज़ करता हूँ, मगर इस बार काफ़ी कॉस्टली प्लांट होने के कारण हमने सारा ही इसमें सब कुछ एडिशन कर दिया ताकि ये प्लांट अच्छे तरीके से बढ़ सके। आप देखिए प्लांट इसमें पैचीपोडियम में प्रॉब्लम क्या, जब पानी ना दे, मैंने आगे भी दिखाया एक दो और पैचीपोडियम में, तो प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको कोशिश करके हम फिर से पुराने इसके पॉट में दोबारा से लगाने जा रहे हैं। जो बचा हुआ पार्ट जिसमें थोड़ी सी भी हमें जैसे ये महसूस हो रहा है कि ये प्लांट फिर से ख़राब हो गया, इतना नहीं यूज़ करेंगे। जो सही है सिर्फ वही यूज़ करेंगे। इसमें हमने जो बड़े पार्ट्स है पहले वो लगाएंगे। बहुत बढ़िया प्लांट था ये हमारा। देखिए अभी कुछ ख़राबी है इसमें, ये पार्ट भी अभी सॉफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर ख़राब है। ये थोड़ा ठीक है, इसको दोबारा से लगाते हैं। ये इतने महंगे प्लांट्स हैं, इनमें महंगे इसलिए कि इसकी एज कम से कम 40 साल से ऊपर थी। ये परचेज़ किया था हमने प्लांट, काफ़ी कॉस्टली पुराने कलेक्टर्स थे उनसे हमने परचेज़ किया था, तो सोचा कि अच्छा सर्वाइव करेगा, मगर पीछे बारिश इतनी ज़्यादा हुई, कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब था, तो उस कारण से ये इसको ये भी सॉफ्ट अभी नहीं यूज़ करेंगे। जो ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए फिर से जो हमने निकाली थी वो भी ख़राब हो गई काफ़ी, इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सारा एक में लगा रहे हैं, ये सारा ही ख़राब हो गया है। देखिए ये कोई भी कटिंग्स अब नहीं चलेंगी। इस प्लांट को मैंने कभी कट नहीं लगाया था, कि लोग कहते थे कि इसकी कटिंग से आप प्लांट बनाइए, मैं कभी लगाता ही नहीं था कि प्लांट मुझे इतना प्यारा था कि इसकी शेप बड़ी अच्छी थी, मगर अब ये ख़राब हुआ है तो इसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये प्लांट यहाँ से ठीक है सारा, ये यहाँ पर ख़राब हो गया थोड़ा, तो इसको फिर से कट लगाना पड़ेगा। फिर से अभी इसको लगा नहीं सकते, इसको भी पेंडिंग में डालते हैं। अभी जो जो ठीक है सिर्फ वही लगाएंगे ताकि ये ना हो कि बाकी का प्लांट रॉट हो जाए। बहुत बड़ा प्लांट था ये, बहुत कीमती प्लांट था। अब देखिए ये कैसे सर्वाइव करता है। ये देखिए ये भी थोड़ा गला हुआ है, तो इसको कटिंग करेंगे और यहाँ फंगीसाइड लगाएंगे। सिर्फ इस काम के लिए मैं फंगीसाइड यूज़ करता हूँ, जब कभी कट लगते हैं तो फंगीसाइड यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ मैं बहुत कम फंगीसाइड का इस्तेमाल करता हूँ कि ना ही ज़रूरत पड़े, बिना बीमारी के क्यों हम लोग उसको दवाई दें। मगर अब ये बीमारी आ चुकी है तो इसको दवा ज़रूर लगाएंगे। तो ये प्लांट का हम यहाँ से, ये बिल्कुल नया ब्लेड हमने परचेज़ किया है, तो ये देखिए कट लगाया इसको कितना, अभी यहाँ से बचा हुआ है ये प्लांट, जहाँ जहाँ से ख़राब है हम काट के फेंकते जाएंगे, अब इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जब तक ये बिल्कुल वाइट स्किन नहीं नज़र आ जाती तब तक ये इन्फेक्टेड ही है। इसको फिर से एक स्प्रे डाल देते हैं, ये आपका अल्कोहल है, इसको अलग से लगा देते हैं, इसमें नहीं लगाते। ये यहाँ से नीचे साफ निकल आया, यहाँ से भी इसमें खराबी है, तो यहाँ से सारा ही कट करेंगे। ये देखिए बहुत मुश्किल प्लांट बचते हैं, जो एक बार ज़्यादा रॉट हो जाता है वो प्लांट बचते नहीं इतनी जल्दी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बचाने की। मगर देखिए हम छोटे छोटे प्लांट्स भी कुछ ग्राफ्ट करके देखेंगे कि कुछ बच जाए, मगर इसमें भी इन्फेक्टेड है तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चल जाएगा इसमें कहाँ से। अब देखिए ये देखना क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टनेस देखनी है,
सॉफ्टनेस देखने के बाद ये हमने कट लगाया, ये ओके है प्लांट। हम ये स्प्रे मारते हैं इसको भी, पत्ते उतार दें ताकि प्लांट को एनर्जी मिली रहे थोड़ी सी, नहीं तो पत्ते सारी एनर्जी ले जाएंगे। यहाँ से सॉफ्ट है, यहाँ से भी कट करेंगे। ये वाइट निकल गया, ये ठीक है सारा। बाकी का तो जो बच गया वो तो रख लेंगे, जो नहीं बचेगा उसको फेंकना ही पड़ेगा। ये हमारा है जी कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों ही हमने मिक्स किए हुए हैं फंगीसाइड्स, तो इसको यूज़ करेंगे अच्छे से ताकि जितना बचना है तो बच जाए, अब ना ख़राब हो प्लांट। बड़ा मन ख़राब होता है जब सारा प्लांट ख़राब हो जाता है आपका, तो ख़ास तौर पे इतना कॉस्टली प्लांट, कॉस्टली हो ना हो मगर प्लांट तो सारे ही वैल्यूएबल होते हैं। ये इतने टुकड़े में प्लांट्स हो गया कि बेचारा ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। ये इस तरीके से हम पेस्ट की पेस्ट ही लगा दें, इसी अल्कोहल को थोड़ा स्प्रे मार के इसी के साथ ही पेस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको अब फिर से रखेंगे जैसे पहले रखे हुए थे। अभी फिर से इसको रेस्क्यू करेंगे कि कुछ बचाव हो जाए इसमें, जो ये पीसीज है थोड़े ड्राई हो जाएंगे कम से कम एक वीक तक। जब ये थोड़ा सा कैलस अच्छा सा ब्लैकिश सा होना शुरू हो जाए, थोड़ा पक जाए तब इसको यूज़ करेंगे, तब तक इसको यहीं रखेंगे। जहाँ पर भी आप कट लगाते हैं वहाँ ज़रूर फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सॉयल में कभी फंगीसाइड नहीं डालता, कभी बहुत कम सॉयल में डालते हैं, रेयरली कभी ज़रूरत पड़ती है जैसे आज डाला है। तो देखिए कितना प्लांट मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितना बड़ा प्लांट था बेचारा, ये बिल्कुल ही छोटा। आगे भी मैंने बहुत कुछ फेंका इसमें, अब ये भी फेंकना पड़ेगा। बड़ा सैड तो है मगर ये है कि कोई भी प्लांट है वो जो लिविंग चीज़ है उसने डेड तो होना ही है, ये आपको पहले से सोच के चलना होगा। इतना आप नहीं सोच सकते कि ये प्लांट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये तो जो आया है वो जाएगा ही, इस थ्योरी पे काम करते हैं। तो इसलिए देखिए जी कितना ज़्यादा वेस्ट हो गया। अब जो बचा है उसको हम कोशिश करेंगे सर्वाइव करें अच्छे तरीके से छोटे पार्ट को भी बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना छोटा है, ये बच जाए तो चलो कुछ ना कुछ प्लांट अच्छा बन जाएगा इसका, बचा के हम इसको बड़ा तो कर ही लेंगे। ये सारा सॉफ्ट हो गया, ये ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, ये बाकी सारा ख़त्म ही है। ये तकरीबन इसको फेंक देंगे, ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप इसको बचा बचा के रखते जाएं कि इसको ये सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए ये ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को बचाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं और प्लांट सर्वाइव भी करेगा और इसकी रूटिंग कराएंगे अच्छे तरीके से, आपको दिखाएंगे। फिर जब ये प्लांट थोड़ा ग्रो करेगा तब आपको फिर से दोबारा दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।